सभी मित्रों का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल और आज का राशिफल पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। ये राशिफल मैं चंद्र राशि यानी मून साइन के तहत बताता हूँ। हर सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो ज्योतिष को मानने वाले और ज्योतिष को ना मानने वाले भी ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, और ज्योतिष को मानने वाले तो राशिफल देखते सुनते ही हैं, जो नहीं मानते वो भी तिरछी निगाह से दिन कैसा जाएगा जरूर देख लेते। तो चलिए पंचांग पे दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले 29 जुलाई 2022 शुक्रवार का दिन है आज। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आधी रात के 1:21 तक रहेगी, यानी जुलाई 30 की तारीख हो जाएगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शुरू होगी। चंद्रदेव आज दिन की शुरुआत में पुष्या नक्षत्र में है, सुबह 9:47 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्या शनिदेव का, आश्लेषा बुध देव का नक्षत्र होता है, और चंद्रदेव आज रहेंगे कर्क राशि में। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:15 से 12:08 तक दिन के। गुलिक काल सुबह 6:43 से सुबह 8:23 तक। राहु काल दिन के 10:02 से दिन के 11:41 तक। यमगण काल दोपहर 15 बजे से शाम 16:39 तक। आश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत के साथ ही गंडमूल नक्षत्र शुरू हो जाएंगे, और आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे बालक को गंडमूल दोष लगेगा। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार आप गंडमूल दोष की शांति करवा सकते हैं। दिशाशूल पश्चिम, राहु काल वाश दक्षिण पूर्व की तरफ। चौघड़िया देख लेते हैं आज का। तो लाभ चौघड़िया सुबह 6:43 से 8:23 तक। अमृत चौघड़िया सुबह 8:23 से दिन के 10:02 तक। शुभ चौघड़िया दिन के 11:41 से दोपहर 13:20 तक। सूर्यास्त के बाद लाभ चौघड़िया रात 21 बजे से रात 22:20 तक। उसके बाद शुभ चौघड़िया रात 23:41 से आधी रात के 1:02 तक। शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त, ये सभी शुभ समय है। किसी भी प्रकार का शुभ काम आप इस वक्त पे कर सकते हैं। राहु काल और यमगण काल दोनों शुभ काल नहीं कहलाते। किसी भी प्रकार का शुभ कर्म आपको इस वक्त नहीं करना चाहिए, जैसे कि रुपए पैसे से संबंधी महत्वपूर्ण लेन देन करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, यहाँ तक कि प्रेम निवेदन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम निवेदन भी एक नई शुरुआत ही होता है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राहु काल में शुरू किए हुए काम बाधाग्रस्त हो जाते हैं, पूरे नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो हमेशा की तरह हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, नए योगायोग, कम्युनिकेशन के कामों में लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको थोड़ी सता सकती है, किसी मित्र के सहयोग से आपको रोजगार के मौके मिल सकते हैं, धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, परिश्रम आज आपको अत्यधिक करना पड़ सकता है। नौकरी करते हैं ऑलरेडी तो आपको वहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा, धैर्य की कमी रहेगी आपके अंदर, अपने स्वभाव के चिड़चिड़ेपन को काबू करने की कोशिश करें। आपके पिता का आपको सहयोग मिलेगा, और नौकरी अगर करते हैं आप तो स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं आपके। छोटी बहन आपको मदद करेगी आज किसी मुश्किल के वक्त। परिवार में थोड़ा तनाव भी बना रह सकता है, तर्क वितर्क से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शह बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 4-7। वृष राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन के नुकसान का दिन है। प्रेम संबंधों में आपका खर्च अत्यधिक हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति वाले कामों से दूर रहे, जैसे जुआ सट्टा इत्यादि से। हालांकि आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों भरा भी रहेगा। अपनी वाणी से, अपनी बातों से आप काम निकालने में कामयाब रहेंगे। प्रसन्न रहने की कोशिश करें। जो युवा है वो अपनी वाक्पटुता और कर्म क्षमता के बल पर कठिन से कठिन काम को भी निपटाने में कामयाब रहेंगे। दाहिनी आंख में
जलन और दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। रुपए पैसे से संबंधी लेन देन आज आपको काफी सोच समझकर करना चाहिए। प्रेम संबंधों में सफलता के योग आपको बन रहे हैं। आपका प्रेम संबंध आपके रिश्ते नातेदारों के दृष्टिगोचर में आ सकता है। शिक्षा में अग्रगति और संतान के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6-7। मिथुन राशि के मित्रों के लिए आज का दिन स्वादिष्ट भोजन, आत्मविश्वास में वृद्धि, समाज में सम्मान की वृद्धि, हालांकि आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। अपनी हाजिर जवाबी की वजह से आप बहुत सी समस्याओं को निपटाने में कामयाब रहेंगे, बहुत से काम आज आप निपटाने में कामयाब रहेंगे। सोच समझकर थोड़ा बोलें, जल्दबाजी में अपना वक्तव्य अपना ओपिनियन ना रखें, नहीं तो आपके द्वारा कही गई बात का कुछ और मतलब निकलेगा और उसकी वजह से गलत फहमी हो सकती है। किसी विवाद में उलझने से बचें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रेम की वृद्धि के योग बन रहे हैं। माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। परिवार में कोई उत्सव हो सकता है। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6-7। कर्क राशि के मित्रों के लिए आज का दिन खर्च की अधिकता, हालांकि आपके मन के अनुकूल कामों में प्रगति होगी, छोटी यात्रा पे आप जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफी उतार चढ़ाव वाला और खर्च की अधिकता वाला रहने वाला है। मानसिक तनाव बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है, हालांकि कुछ धन प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। वासस्थान में परिवर्तन और नींद की कमी सता सकती है। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 1-9। सिंह राशि के मित्रों के लिए आज का दिन इच्छा पूर्ति, स्वास्थ्य लाभ, मित्रों की सहायता, धैर्यशीलता बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहुत समय से रुका हुआ धन आज आपको मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपके रिश्तेदार आपके व्यवहार से आज खुश रहेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। जीवन में नई खुशहाली आएगी। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 9। कन्या राशि के मित्रों के लिए आज का दिन कार्यसिद्धि, कर्मस्थान पे सफलता, नए पद की प्राप्ति, पिता के साथ अच्छे संबंध, इंडिविजुअल इफर्ट से सफलता और इंडिविजुअल डिसीजन भी आज आप लेंगे। सफलता असफलता दोनों आपकी होगी और कर्मस्थान पे काफी तेजी से निर्णय लेंगे आप, जिससे कि आपकी प्रशंसा भी होगी समाज में। मनचाहा काम पूरा होगा। आपके सहयोगियों का और आपके भाइयों का यानी आपके कलीग्स का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। आपके विरोधियों पे विजय प्राप्त होगी। निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये उचित समय है। अपने अच्छे समय का सदुपयोग करें। आज के लिए हुए निर्णय आपके भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 3। तुला राशि के मित्रों के लिए आज का दिन कर्म स्थान पे समस्या, सामयिक कर्म विरति, खर्च की अधिकता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति, शिक्षा में उन्नति, उच्च शिक्षा में उन्नति। अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की कोशिश करें। खर्च की अधिकता बनी रह सकती है। परिवार में कोई धार्मिक काम हो सकता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा आपका, लेकिन गुप्त शत्रुओं से आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए आज का दिन
भाग्यहीनता, अकेलापन, आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, निश्चित प्राप्ति से आप वंचित हो सकते हैं, आपके कर्म में, कर्म स्थान पे परिवर्तन की संभावना बन रही है, किसी नए काम की आपको शुरुआत करनी पड़ सकती है, पुराने किसी काम में आपका नुकसान हो सकता है, आय में कमी और खर्च की अधिकता से आपका बैलेंस बिगड़ा रहेगा, परेशानी वाला दिन है। हालांकि किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, वो भी किसी पुराने मित्र का, लेकिन आपका मन आज चंचल बना रहेगा, मन में शांति का अभाव महसूस करेंगे, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, बड़े भाई से मन मुटाव हो सकता है। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 14। धनु राशि के मित्रों के लिए आज का दिन नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध आने का योग, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, पद प्राप्ति और सम्मान वृद्धि का योग बन रहा है, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, इस तरफ ध्यान दें। व्यवसाय में अग्रगति होगी, अच्छा खान पान, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, विरोधियों के साथ अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, आज नए योगा योग होंगे। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 3-6। मकर राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन की प्राप्ति, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या सता सकती है, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में तनाव और शॉर्ट टर्म सेपरेशन के योग बन रहे हैं, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, पारिवारिक समस्याओं से आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु आज परास्त भी होंगे, आपके शत्रु आपसे जीत नहीं पाएंगे, तर्क वितर्क में आपकी जीत होगी, फिर भी मन की शांति का अभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन की समस्या आपको परेशान करेगी, खान पान की कमी से जूझेंगे, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन पैसा आपकी जेब में होगा, लेकिन दूर दूर तक आपको होटल दुकान वगैरह शायद ना मिले। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 4-9। कुंभ राशि के मित्रों के लिए आज का दिन थोड़ा बाधा वाला दिन है, लेकिन पुराना प्रेम संबंध आपके जीवन में वापस आ सकता है, पुराना कोई रोग जो चला आ रहा था वो ठीक हो सकता है, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, पुरानी बातों को ज्यादा याद ना करें, शिक्षा पे ध्यान दें, खर्च की अधिकता बनी रह सकती है, नया प्रेम संबंध भी आ सकता है जीवन में, शिक्षा में अग्रगति होगी, रोमांटिक दिन है आज आपके लिए, अभिनय के क्षेत्र में जो है उनके लिए सफलता वाला दिन रहने वाला है आज, और गीत संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सफलता वाला दिन रहने वाला है, जो मित्र पत्रकार हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 7। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव वाला हो सकता है, छोटी मोटी गलत फहमी की वजह से आज आपका दिन खराब हो सकता है, इसलिए गलत फहमी में ना पड़े, सुनी हुई बातों पे जल्दी से भरोसा ना करें, जब तक कि आप उन बातों को रीचेक नहीं कर लेते। व्यवसाय में लाभ होगा आज आपको, माता के साथ मनमुटाव के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आज आपको लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अगर आप करते हैं तो आपको लाभ होगा, कोई जमीन, कोई मकान, कोई घर आप लेने का निर्णय ले सकते हैं। आज आपके जीवन में लग्जरी की वृद्धि हो सकती है, यानी आरामदायक दिन हो सकता है आज आपका, नए योगा योग भी होंगे, आपके विरोधी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 6-9। तो ये था आज का राशिफल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।